बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी फरमाइए। सर जी मैं आपका गुलाम अर्ज कर रहा हूँ, हजरत जी मिर्जा हामिद मुनीरी इंडिया नांदेड़ शहर से। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी जी हम बहुत बेचैन थे आपकी तबीयत को लेकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में ही आपने ख्वाब में आके पूरी तफसील, जैसा रूह की बातें में आपने पूरी तफसील बताई है दादी, बस हो बहू वही तफसील आपने बताई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ऐसा हुआ था वायरल चल रहा था, ऐसा बहुत ही बिल्कुल सुकून और नींद से जागने के बाद तो बहुत ही मजा आ गया दादी आपको देखने के बाद। बस हजरत जी दुआ में खास याद रखें, खुसूसी तवज्जो की दरख्वास्त। हजरत जी एक बुजुर्ग आपने अल्लाहुम मग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ये वाली दुआ है। ये बता रहे हैं कि मैं 36 साल से इसका पढ़ने का आदी हूँ, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ, लेकिन हजरत जी तादाद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो कैसा पढ़ना चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो हम वो पढ़ना शुरू करें। और हर जी हम चिजरा पढ़ने की इजाजत चाहते हैं और उसका तरीकेकार बताएं जी, तो हम खास याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हामिद मिर्ज़ा इंडिया से कॉल कर रहे हैं, माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए। वो तो बाकायदा इन बीमारी के दिनों में आपका रब्ता रहा, आप मुझे कॉलें करते रहे, मैसेज करते रहे, मैं देखता रहा, लेकिन यह कि बीमारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप लोगों से बात कर सकूँ। ज़ाहिर है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी गला वाला पकड़ा जाता है तो गुफ्तगू करना मुश्किल होती है, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत का मुझे अंदाज़ा है। कासिम मिर्ज़ा हमें तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और मोहब्बत का नतीजा अल्लाह ने देखो, ख्वाब में पहले आपको बता दिया कि मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रूह बसीत हो गया हूँ और प्रोग्राम में आ रहा हूँ, तभी रात के प्रोग्राम में रूह की बातों में अकेले ही आ गया। हालांकि हमारी होस्ट डॉक्टर फैसल मोज़ेस साहब भी बीमार थे, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा मैं कहते सामना तो करा दूं ताकि लोग बेचारे बेचैन हैं, ज़्यादा आप लोगों ने देख के अपने आप को तस्कीन जो है वो हासिल की, मुझे भी बड़ी मसरत और ख़ुशी हुई। तो बाकी आपको भी अल्लाह खुश रखे, और बाकी ये बड़ी अच्छी बशारत आपने ख्वाब में देखी है कि ये जो आपने दुआ किसी बुज़ुर्ग ने पढ़ी और ये देखी है, तो बिल्कुल ये दुआ 41 टाइम आप पढ़ सकते हैं, 41 दफ़ा पढ़ें, 90 दिन तक इसका अमल करें, और इसके अंदर आप अपने तमाम मकासद दीनी और दुनियावी की नियत करके आप इसको पढ़ें, इंशाल्लाह उसके सवराज ज़ाहिर होंगे, तो बहुत ही जो है वो मुबारक है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ जी ऐसा।